नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू जोश और मैं हूं शीतल शर्मा। किश्तवाड़ म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस जो है 10 महीने पहले हुए थे, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से किश्तवाड़ सिटी के अंदर या किश्तवाड़ टाउन के अंदर कोई भी काम नहीं हुए हैं। गलियों की, नालियों की या फिर बिजली की, पानी की जो खस्ता हालत पहले थी वो बरकरार है, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुए हैं उसके बाद। इस वक्त हम खड़े हैं किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ के अंदर मेन बाज़ार में, शहीदी बाज़ार, और यहाँ पे मैं आपको ड्रेन्स की हालत दिखाना चाहूँगा, गलियों की हालत दिखाना चाहूँगा, तो बिल्कुल खस्ता हालत है। मेरा कैमरामैन आपको थोड़ा सा पैन करके इसको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह की हालत बनी हुई है, और ये जो ड्रेन है ये बिल्कुल किश्तवाड़ के साथ में से, और यहाँ पर जो ऊपर से फुटपाथ भी है लेकिन खस्ता हालत बनी हुई है यहाँ। ये आप देख लीजिए, ये बिल्कुल यहाँ से फुटपाथ भी है। इस वक्त हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं जो यहाँ पे दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम राकेश गुप्ता है, ये मेरी शॉप है राकेश कला हाउस किश्तवाड़। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये ड्रेन जो है पिछले 2.5 साल से कभी साफ नहीं हुई है, और यहाँ पर हमने 10 महीने पहले जब काउंसलर्स के इलेक्शन थे उस वक्त इनसे आग्रह किया था कि ड्रेन को चेकआउट किया जाए। इतनी बदबू है, पूरी ड्रेन ब्लॉक है, और बदकिस्मत भी इसमें एक ग्रेविटी पाइप जा रही है, वो ड्रिंकिंग वाटर पूरे शहर में डिस्बर्स होता है। आप देखिए, हालत देखिए इसको, ड्रिंकिंग वाटर की हमारी हालत तो खस्ता है। जो लोग घर में ये पानी पी रहे हैं उनको वो तो कितनी बीमारियों से उपलब्ध हो जाएंगे। सर, आपकी बात हुई म्युनिसिपैलिटी से? हमने म्युनिसिपैलिटी वालों को 10 बार बुलाया, हमने कहा ये देखिए ये पोर्शन, ये हमारा पोर्शन करीब यहाँ से 100 मीटर के करीब ये सारा पोर्शन है, इसके ऊपर फुटपाथ पड़ा हुआ है, फुटपाथ सारा टूट गया है। जब स्कूल से बच्चों को छुट्टी होती है ऑलवेज बच्चे उस वक्त खुश होते हैं कि घर जाना, वो अक्सर इस फुटपाथ के बीच में गिर जाते हैं। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है म्युनिसिपैलिटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो इसको गौर करें। आपका क्या नाम है? अब्दुल लतीफ। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलें यहाँ से आपको? बहुत बड़ी मुश्किलात है। मसला ये है कि यहाँ सरकार जो है बस खामोशी में बैठी है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल काले कमलों के नीचे सोई हुई है। यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नाम नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर होती तो इस नाली को 2 महीने से हम तरस रहे हैं। यहाँ खड्डे बन चुके हैं, और हम 6,000 रुपया किराया देते हैं दुकानों का, और हमारे दुकानों में ग्राहक नहीं चढ़ता है, क्योंकि उन्हें इतनी बदबू आती है जिसकी कोई हद नहीं है। हमने एक एप्लीकेशन लिखी टोनियर कमेटी के नाम, हमने दी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आए, यहाँ उन्होंने मौका किया, और उसके बाद कहा सुबह ही इसका डिस्पोजल करेंगे, लेकिन आज 4 दिन हो गए अभी डिस्पोजल नहीं हो रहा है। वजह क्या है? यहाँ से तो सारे IAS अफसर जितने भी किश्तवाड़ के मौजूद शहरी है वो चलते हैं, लेकिन किसी को ये नाली नज़र नहीं आ रही है। जब ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं होगा, यहाँ प्रोजेक्ट है, डूल हस्ती प्रोजेक्ट है, और किश्तवाड़ में ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था। यहाँ बिजली का भी अंधेरा है, पानी का भी अंधेरा है, नालियों का भी अंधेरा है, ये अंधेरे में शहर पड़ा हुआ है। यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, असेंबली के इलेक्शन हुए, यहाँ मेम्बरों के इलेक्शन हुए, सारे बन गए, लेकिन खड़पिन बनने के बाद हमारे सामने कोई नहीं आया, वोट हमने ठोके, वोट हमारा। क्या यहाँ से क्या कहेंगे आप, जो म्युनिसिपैलिटी के जो यहाँ से चुन के आए हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए हमारी गुजारिश है कि वो ज़रा खुशहाली में आए, तैयारी में आए, वो करके दिखाएं कुछ, क्या अगर उन्होंने वोट हासिल किए, उनको लोगों ने कानून पे उठाया है, जिंदाबाद के नारे दिए, तो वो आए बीच लोगों में, आए शहर की हालत देखें, शहर को दुरुस्त करें, नालियों को दुरुस्त करें, बिजली को दुरुस्त करें, ये पोल जो लगे हुए हैं सड़कों बीच सड़कों में, यहाँ हादसे होते हैं, ये किसी को नजर नहीं आ रहा है, पोलों को हटाए बीच रास्ते में, ये देखो ट्रैफिक जाम, यहाँ सुबह 20 गाड़ियाँ होती है और शाम को 40 गाड़ियाँ होती है,
यहाँ से मुझे वसरकोण बाईपास पे जाना होता है, आधा घंटा मेरी गाड़ी को लगता है वहाँ तक। इतना क्या यहाँ ट्रैफिक जाम होता है जिसकी कोई हद नहीं। इसके लिए सरकार ने सोचना चाहिए कि भाई किश्तवाड़ में जो है ट्रैफिक का निज़ाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या उसके लिए सोचें। पब्लिक दिन ब दिन बढ़ती रही है, फौज बराबर आ रही है, यहाँ जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसके लिए कोई निचोड़ तो है सरकार के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, लोगों के पास है वोट, वो हम देते हैं, वो हम जाते हैं लाइन में खड़ा होकर उनको कामयाब करा देते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होते हैं। सर आप यहाँ पे दुकानदार हैं और ये फुटपाथ भी है, यहाँ पे लोगों को कितना मुश्किल रहता है यहाँ पे लोगों को चलना, इतना लोगों का चलना संभव नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रोड के स्लांट जो हैं वो छोटे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये जो म्यूनसिपल्टी ने या आरएनबी ने ये जो बनाया हुआ था, ये एक फुटपाथ बनाया हुआ था, ये फुटपाथ सारा टूट गया है। कृपा करके इस फुटपाथ को तो चेकआउट किया जाए, स्कूलों से छुट्टी बुजुर्ग आता है, छोटा आता है, वो इसके बीच में गिर जाता है। सर चुनावों से पहले सभी जो मेंबर कैंडिडेट होते हैं वो वोट मांगने घर घर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस वोट की कोई कीमत नहीं रहती है, उसकी कीमत जीरो हो जाती है जी। यहाँ से क्या कहेंगे किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आप म्यूनसिपालिटी के लिए खास? हाँ, म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन साहब से हमने उनको दो हाथ जोड़ के दरख्वास्त की थी कि आप आके इसको स्पॉट सर्वे कीजिए, बट उनके पास टाइम नहीं निकला कि वो यहाँ तक आ सकें। देखो हार्डली हार्ट ऑफ सिटी में हमने कभी भी चेयरमैन साहब को यहाँ पे देखते, एक बार वो आते यहाँ पर नज़र मारते, वो हम भी उनके पास हमने एप्लीकेशन दी, उनका पास हमने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम एक बार स्पॉट सर्वे करते, बट उन्होंने कभी भी स्पॉट सर्वे नहीं की। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक वोट जो होता है ये लोकतंत्र का अधिकार होता है, लेकिन जिस तरह से जो कैंडिडेट्स होते हैं वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद उस वोट का जो इस्तेमाल जो लोग करते हैं उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, किश्तवाड़ की ड्रेनेज का ये हालत देख लीजिए आप, कितनी गंदी ड्रेनेज है। और यहाँ पे एक खास बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पाइप है ड्रिंकिंग वाटर जो है इस पाइप में चलता है, और ये पाइप जो है गंदी नाली के अंदर है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी जो है इस पर कोई भी नज़र नहीं है म्यूनसिपैलिटी की। हालांकि 10 से 11 महीने जो हैं हो चुके हैं चुनावों के, उसके बाद जो चेहरे जीत के जो चेहरे थे वो सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद वो काम करते हुए कहीं पे भी नहीं दिखाई दिए। तो हमने यहाँ के लोकल स्थानीय और दुकानदारों से बात की और उनसे उनके दुख दर्द जाने, उन्होंने सीधे तौर से म्यूनसिपैलिटी को ये कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कराया जाए।